हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का वैष्णवी प्रयागराज में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मंडे है, मंडे हम व्रत रहते हैं। हम क्या, हम दोनों लोग व्रत रहते हैं। ये दोनों बच्चे को कुछ बनाना रहता है तो उनको लिए, इनको भी ना वही व्रत वाली चीज़ें ये दोनों लोग भी खाती हैं। ये नहीं है कि इनको कुछ अलग से, मतलब अगर मैं कुछ बना दूँ ना तो वैसे पड़ा रह जाएगा। जैसे आलू फ्राई किए हैं या फिर मूँगफली भुने चाय बना, तो थोड़ा थोड़ा ये लोग भी खाती रहती हैं। फ्रूट वगैरह काटते हैं उसमें से थोड़ा सा खा लेती हैं, दूध दे देते हैं। छोटी वाली तो खाना खाती नहीं है, तो खाना तो मेरा मंडे को बनता नहीं। वही दोपहर में खिचड़ी बना देती हूँ या फिर पराठा वराठा जो वैष्णवी को मन करता है तो बना देते हैं। और मैंने सोचा आज आप लोगों से कैमरे के सामने कुछ बातें कर लें, तो आज मैंने कोई ऐसे कुछ वीडियो नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों से बात ही मैं कर लूं। तो मुझे आज ना अचानक कुछ याद आया ना, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि एक फैमिली सी बन गई है ना। और कुछ दी तो इतनी प्यारी हैं, इतना प्यार करती हैं ना कि शायद यहाँ ना, कभी कभी तो लगता है कि यार हम यू वाईटी पे आके बहुत अच्छा किए हैं। अगर वाईटी पे आए ना होते तो इतनी प्यारी प्यारी दीदी कहाँ मिलती लोग, जो शायद मेरी तो कोई सगी बहन नहीं है, लेकिन यहाँ आके ना इतना जल्दी इतनी अच्छी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी। तो आगे मैं वीडियो में नाम लूँगी कभी दीदी का, अभी नहीं बनाती हूँ ना नाम नहीं लेती हूँ, कि कुछ लोगों को लगेगा ना कि यार सपोर्ट के लिए, सब्सक्राइब कराने के लिए इनका नाम लेते हैं, इस यूट्यूबर का, उस यूट्यूबर का, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। और फिर कभी अगर इच्छा करेगी ना तो मैं, अगर नहीं रहा जाएगा खुशी इतना ज़्यादा बात करती हूँ तो मुझे तो अच्छा लगता है, तो मैं ज़रूर उनके पे वीडियो बनाऊँगी। और मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ ना कि मेरा मतलब क्या सोचा था। हाँ, तो टॉपिक करते हैं, तो एक बार उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो लोग बहू और बेटी में फ़र्क समझते हैं उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेटियों की 100 गलतियाँ माफ़ और बहू की एक गलती के लिए पूरा अड़ोस पड़ोस इकट्ठा कर लेते हैं, तो ऐसा मत किया कीजिए। बहू को एक बार बेटी समझ कर तो देखिए, वो लगा लेगी सबको गले, वो बस उसकी एक गलती पे उसको प्यार से समझा कर तो देखिए। पता नहीं क्यों लोग, बहुत बहुत कम घर होंगे जहाँ बहू को बेटी का दर्जा दिया जाता होगा, कम घर होंगे। अधिक घर हैं जहाँ पे बेटी को बेटी और बहू में फ़र्क समझा जाता है। तो मेरे तो ससुर जी बहुत अच्छे हैं, मैं अपने पे नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैंने और जगह देखा है। और मेरे जो अपने देख रहे हैं ना, तो वो तो जानते हैं कि मेरे जो फादर इन लॉ है मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, और मैं भी उनसे बहुत खुश हूँ। मैं तो ये चाहती हूँ कि और लोग भी ऐसे ही प्यार दुलार करते रहें, क्योंकि लड़कियाँ सब कुछ छोड़ के आती हैं। एक 20 साल 25 साल कहीं और बंदे का ऐसी दौड़ थमा दी जाती है जो एकदम अनजान रहता है, वो कैसे मैनेज करती है ये तो हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि मैंने देखा है। क्योंकि ये आप लोग हम दिखा रहे हैं, ये जो आपको खपड़े का, ये मेरा खपड़े का घर है, ये देखिए। कभी मैं आप लोगों को होम टूर कराऊंगी। मैं ना यहाँ आने से पहले ना मैंने खपरेल टीवी में कोई पुरानी ओल्ड मूवी में ही खपरेल देखा था, मैंने कभी खपड़े का घर नहीं देखा था। लेकिन जब मैं अगले दिन मॉर्निंग में देखी तो मेरा तो खपरेल का भी घर है। तो ये सब चीज़ें, यहाँ की परंपरा, यहाँ की भाषा, यहाँ का मतलब नाम, चीज़ें तो सेम है लेकिन नाम अलग अलग था, लेकिन फिर भी किसी ने ताना मारने से पीछे नहीं हटा है। किसी ने, अब मैं क्या बोलूँ, बहुत कष्टदायक लाइफ थी। कैसे कटी, कब में कटी, याद आते हैं तो आंसू आते हैं। फिलहाल मैं अब खुश हूँ, अब बहुत खुश हूँ। और लेकिन हाँ, वेट करना पड़ा, समय लगा सही होने में सब कुछ। और काफ़ी लंबी मेरी भी स्टोरी, मेरी भी बहुत लंबी है, चौड़ी है, इतनी छोटी वीडियो में नहीं कहा जा सकता है कि कैसे कैसे क्या, कैसे गुजरा, कैसे बीता। लेकिन ये नहीं समझे लोग कि मेरे मायके का और ससुराल की दूरी 360 या 70 से कम नहीं है, 370 किलोमीटर है। अब सोच लीजिए आप, 50 किलोमीटर में भाषाएं बदल, 50 किलोमीटर में कल्चर बदल जाता है, 50-60 किलोमीटर में जरूर अंतर रस्म रिवाज में हो जाता है, रहन सहन में, और यहाँ तो 370 किलोमीटर का फ़र्क है। लेकिन फिर भी सब पढ़े लिखे हैं,
अनपढ़ गवाह कोई नहीं है, जॉब करते हैं कुछ लोग, गवर्नमेंट जो हैं गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, लेकिन फर्क करने में, ताना मारने में किसी ने पीछे नहीं हटा। क्या क्या कह दिया, बातें, समय बीत जाता है, बातें याद रहती हैं, बातें नहीं जाती हैं। तो मैंने सोचा कि भैया आप लोग से कह दें कि बहू को एक बार बेटी समझ कर तो देखो यार, एक बार वो अनजान रहती है, एक बार उसको सही से बता कर देखो, समझा कर देखो उसकी गलतियों पर। उसको आदमी डांटता थोड़ी ना, मुंह पे नहीं कहेगा, बस ये बेइज्जती चार लोगों को जनवा देगा। तो वो उसको समझा के प्यार से कहे, अगर ना वो सुधरे ना वो माने, तब तुम अपने रिश्तेदारों में, अपने अपने मोहल्ले में जाके कहो, उनकी बुराई करो। अगर वो ना माने तब ना, क्या पता तुम्हारे समझाने से वो मान जाए। तो फिलहाल अच्छों के साथ अच्छा होता है, कभी कभी अच्छों के साथ बहुत बुरा भी हो जाता है। कुछ कहा नहीं जाता सकता है, किसकी किस्मत कब कहाँ किस मोड़ पे ले जाए, ये तो किस्मत की बातें होती हैं। और फिर मैंने थोड़ा सा आप लोगों से बात, आज मुझे याद आया तो मैंने कहा कि चलो आज आप लोगों से ऑन कैमरा बात कर लूँ, और थोड़ा सा दिल का बोझ हो जाए। कुछ मेरे रिश्तेदार भी देख रहे हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ तो आप लोगों से ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं आगे चल के अपनी स्टोरी आप लोगों को बताऊँगी, सुनाऊँगी। और आप लोग अगर इंटरेस्ट हैं तो कमेंट करके बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, जिससे मैं अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड किया करूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, और फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।